तो गाइज वेलकम बैक टू माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज एपिसोड 3। तो जैसे कि आप लोगों को याद होगा यार, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने क्या किया था, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने सबसे पहले तो जो केव था उसके अंदर से इतना सारा आयरन निकाला कि हम लोगों ने अपने आप को पूरा आयरन कवर कर लिया और हमारे पास अब पूरा का पूरा एक आयरन आर्मर है तो हम थोड़ा सा सेफ है। ठीक है, आयरन आर्मर इतना खतरनाक नहीं था लेकिन हम थोड़ा सा तो सेफ है। और उसके बाद ऑन दी सेकेंड हैंड हम लोगों ने क्या किया, एक प्यारा सा अपने लिए फार्म बनाया। बहुत अच्छा फार्म नहीं है बट यार बिगिनर के लिए बहुत ही प्यारा सा फार्म है और काम भी कर रहा है। तो आज हम लोगों को उस फार्म से भी कुछ सामान उठाने, तो यस ये दो चीजें करी। और आज गाइस बहुत सारे लोग कमेंट में बोले थे लास्ट वाले वीडियो के कि भाई अपने लिए पहले घर तो बनाओ, फार्म बना लिया। तो गाइस हम लोग वो घर बनाएंगे, प्रॉपर एकदम ढंग से बनाएंगे हम लोग एक ट्री हाउस। बिल्कुल सही गाइस, सब लोग क्योंकि घर तो ऑलमोस्ट हर कोई बनाता है तो इस बार हम लोग बनाएंगे एक ट्री हाउस गजब वाला। तो गाइस गेट रेडी। ठीक है, तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। विद ऑल बीन सेड, लाइक मार दो फटाफट से। ओके, तो चलो गाइस फटाफट से अपने सेलेक्टेड वर्ल्ड में जाते हैं। फ्लीट एम्पायर, भाई फ्लीट एम्पायर में जाते हैं फटाफट से। तो गाइस ये रहा, वो देखो, वो दिख रहा है तुम्हें? ये देखो, लास्ट टाइम ये हम लोगों ने बनाया था ताकि हम लोगों को दूर तक दिख सके कि हम लोग क्या करने वाले हैं। भाई ये रवीन में मेरे को एक ना एक बार तो जाना ही है। तो चलो गाइस ये देखो, हमारी फसल काफ़ी हद तक लाइक निकल चुकी है। तो फटाफट से एक काम करते हैं, थोड़ी सी इसको उखाड़ लेते हैं। ओके, तो गाइज हम लोगों ने बो दिया पूरा का पूरा, तो ये दोबारा से उगेगा, उसके बाद हम दोबारा से आएंगे यहाँ पे। तब तक का इसको बंद करते हैं एक बार। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं जल्दी से, एक बार फटाफट से देख लेते हैं, पहले बना के जल्दी से देखते हैं। वॉइस वीट अपने पास आ चुकी है, तो अब एक दो, ओके ठीक है, 8 ब्रेड हो चुके हैं हमारे पास। गाइज खाने पीने का तो अब कोई टेंशन ही नहीं है यार। देखो पानी भी है और गौ माता भी है, तो दूध का भी कोई टेंशन नहीं है। तो दूध के साथ ब्रेड खाते रुको, जरा थोड़ा सा दूध के साथ ब्रेड लेते रुको, जैसे पानी फेंक के आता हूँ मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता यहाँ आसपास बाढ़ आ जाए, क्योंकि आसपास बाढ़ आ गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो गौ माता थोड़ा सा हमें दूध दो, हमें ब्रेड खानी है, क्योंकि यार सूखी ब्रेड इतनी खास इतनी मज़ेदार नहीं होती। तो ये लिया हमने दूध, ठीक है, तो अब हम खाएंगे ब्रेड। अरे यार एक मिनट, जब भूख लगेगी तब खाएंगे। ठीक है, तो चलो गाइस अब बनाते हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ, देखो ट्री हाउस बनाना है तो हम लोगों को इस एरिया में बनाते हैं ताकि हम उसमें एक बढ़िया सी बालकनी बना पाएं, जहाँ से हम लोग अपने खेत की तरफ को ध्यान भी दे पाएं कि खेत में उग रहा है सामान नहीं उग रहा है, या फिर कोई जोम्बी या क्रीपर आके यहाँ पे बदमाशी तो नहीं मचा रहे हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर बनाना चाहिए ताकि हम यहाँ भी ध्यान दे सकें। और वो हमारी देख रहे हो प्यारी सी माइन भी है, तो वो प्यारी सी माइन में भी हम लोगों को जाते रहना पड़ेगा, तो थोड़ा आसपास होना चाहिए, ऐसा नहीं दूर रख लिया। ठीक है, तो हम लोग यहीं पर बनाएंगे अपना प्यारा सा एक ट्री हाउस। और चलो फिर करते हैं थोड़ा सामान वामान का जुगाड़ करते हैं। मैं फटाफट से गाइस थोड़े से पेड़ काट के लाता हूँ आप लोगों के लिए, और उसके बाद बनाना शुरू करते हैं यहां पर एक मस्त सा ट्री हाउस। ओके, तो गाइज मैं ढेर सारा अपने लिए ओक का वो ले आया था और उससे मैंने बना दिया गाइज ओक वुड प्रॉपर एकदम। एक 64 का स्टैक है और एक पूरा का पूरा लाइक 20 का है, तो मैंने ओक वुड बना दिया क्योंकि वो थोड़ा सा दिखने का अच्छा दिखता है। क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप लोग लाइक नॉर्मल ओक का लॉग लोगे तो उसके नीचे से साफ साफ सा दिखता है कि मतलब ये एक ओक लॉग है। तो चलो यहाँ पर बनाते हैं, जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला 3x3 का बनाएंगे पहले। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है, तो ये हम लोगों ने बना दिया है। अब चारों तरफ से ऐसे करते हैं कि एक एक यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, ओहो यहाँ पर नहीं लगाना था ना, यहाँ पर तो हम लोग अपना दरवाजा बनाएंगे आने के लिए। हाँ बढ़िया बढ़िया, ठीक है, तो ये कर दिया। अब उसके बाद क्या करते हैं गाइस, यहाँ पर सेंटर से कितना लंबा कितना ऊंचा बनाना चाहिए, 7 बना दे। 1 2 3 4 5 6 और कम पड़ गया 7, ठीक है। अरे भाई भाई अब तो चोट लगेगी यार, मैंने दूध भी निकाल के यहाँ पर गाइस फटाफट से मैंने कुछ लैडर्स भी बना रखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, बढ़िया, ठीक है, तो ये लैडर्स भी हो गए हमारे पास आने के लिए जाने के लिए। तो प्यार से यहाँ से निकलते हैं भाई, बहुत ही प्यार भाई, बहुत ही प्यार। ठीक है, तो गाइस चलो अब क्या करते हैं फटाफट से यहाँ पर इसको, एक मिनट रुको, हाँ हम लोगों को इसको एक्चुअली 2 उठाना था। ठीक है, चारों तरफ से 2 उठा लेते हैं पहले ये। अब इसके ऊपर गाइस हम लोग लगाएंगे, अरे यार थोड़ा सा डिज़ाइन भी बनाएंगे, तो इसलिए अब हम इस क्यों खेल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर चार तरफ से जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था ऐसे ऐसे करके रख देते हैं। ठीक है, और इस वाले को काट देते हैं, इसको हम लेने आएंगे अभी नीचे। ठीक है, तो ये कर दिया। अब फटाफट से थोड़ा सा डर्ट लेते हैं क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा वेस्ट नहीं करना सामान, तो एक काम करते हैं चारों तरफ से ऐसे करके डर्ट रख देते हैं और हर एक डर्ट के ऊपर हम लोग रख देंगे अपना अपना एक। ठीक है, ये कर लेते हैं,
ठीक है। तो अब ये करने के बाद गाइज इसको पूरा का पूरा ये देखो ऐसे भर लेते हैं, ठीक है। इधर पाते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे भर लेते हैं एक, ठीक है। अब यहाँ पर से ये लेते हैं एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, मतलब थोड़ा सा दिखने का ऐसा एस्थेटिक सा लुक आएगा ना अगर आप ध्यान दोगे तो। देखो रुको एक बार नीचे जाके देखते हैं क्या हम लोग सही बना रहे हैं, क्या अच्छा लग रहा है ये, रुको देखिए जरा एक बार। हाँ दिखने का तो अभी तक तो बहुत ही प्यारा सा लग रहा है, देखो चारों तरफ से बहुत सही। ए रातोरी कैसे रातोरी रातोरी, भाई मैं मजाक नहीं करूँगा, मैं इस वाले वर्ल्ड में एक बार भी नहीं मरा हूँ और मैं ऐसे ही रखना चाहता हूँ जहाँ तक ले जा सकते हैं, क्योंकि हमारा 11 ओहो भूख भी लग रही है गाइस। तो बिल्कुल सही, थोड़ा सा ब्रेड खाएंगे गाइस। ये रहा हमारी पहली, हमारी फार्म की पहली ब्रेड, और ये पिया हमने थोड़ा सा दूध, बिल्कुल सही यार। तो चलो अब करते हैं आगे को, एक काम करते हैं इसको भी थोड़ा सा, दरवाजे को भी थोड़ा सा प्यारा सा बनाने के लिए हम लोग ये और एक ये, ठीक है। नहीं ये एक्चुअली अच्छा लग रहा है, ये नहीं लग रहा है। इस वाली स्टेयर को हम लोग मतलब एक तरह से उल्टा लगाएंगे ताकि ये ऐसा लगे, ये देखो अब अच्छा सा लग रहा है थोड़ा सा दिखने का, है ना। तो जाने जाने के लिए भी सही हो रहा है। यहाँ पर हम लोग एक डोर भी लगाएंगे, रुको मैं डोर लेके आता हूँ। मैं सोच रहा हूँ देखो दोनों डोर्स बना के देखते हो, ओक का डोर कैसा लगेगा और बर्च का डोर कैसा लगेगा। मेरे पास बर्च और ओक है यार, मेरे पास स्प्रूस होता ना, स्प्रूस की चीज़ें सबसे बेस्ट होती मेरे हिसाब से यार, दिखने की तो एस्थेटिक लुक में तो स्प्रूस की चीज़ों को कोई बीट नहीं कर सकता। तो चलो गाइज तुम लोग मेरे को कमेंट में भी बताना इसका कौन सा डोर अच्छा लग रहा है। देखो ये है हमारा ओक डोर, ठीक है, ये पूरा ब्लेंड हो जा रहा है इसके साथ, और ये है हमारा बर्च का डोर है। तो ये दोनों चीज़ों को आप देखना और मेरे को बताना। अभी के लिए मेरे को तो बर्च का डोर थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा है इसमें, पता नहीं क्यों। अब सही लग रहा है थोड़ा, ठीक है। और इधर ये करके एक यहां पर प्लैंक लगा देते हैं, ठीक है। ये देखो अब इस प्लैंक पे हम लोग लगाएंगे लैंटर्न, लेकिन अभी हमारे पास सामान नहीं, हमको सामान लेके आना पड़ेगा बहुत सारा। तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे लैंटर्न। तो ये अभी के लिए हमारा एंट्रेंस हो गया, देखो ठीक है। ये सारा का सारा जो झाड़ फूड है इसको काट देते हैं, ठीक है, पहले तो। इसके बाद ये हो गया, साफ सफाई हो गई। चलो भाई एक मिनट, ये क्या है भाई, इसको भी रखो, बढ़िया, चलो ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ऊपर आए, अब यहाँ से ऊपर का बनाते हैं, लेकिन पहले क्या करते हैं गाइस सुनो, यहाँ पर भी सेम वही तरीके से ऐसे उल्टा करके ये, यहाँ पर से भी हम लोग गाइस चारों तरफ से लैंटर लगाएंगे ताकि हमारा जो ट्री हाउस है वो दूर दूर से चमके भाई, चार गांव तक चमके जब ये लगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर बनाते गाइस आउटर लेयर, ठीक है, जिसमें हम लोग खड़े रहेंगे। तो ये हमारा ऊपर का टॉप का रहेगा, देखो यहाँ से हम लोग ऐसे देख भी पाएंगे हमारी फसल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो ये हो गया, अब ये कर लेते हैं, इसको भर लेते हैं पूरा। तो ये अब थोड़ा सा प्रॉपर भी लग रहा है, ये हमारा एरिया होगा जहाँ पर हम लोग लाइक चल फिर सकते हैं, सब कुछ प्रॉपर एकदम ऐसे ढंग से कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ मैंने ट्रैप डोर्स बनाए हैं चार, इसमें चार तरफ से ट्रैप डोर्स लगा देते हैं ऐसे ऐसे, ओए अभी गिर गया था, और ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो अब इन ट्रैप डोर्स के ऊपर रखते हैं ये, ठीक है। देखो अब ये थोड़ा सा लाइक स्टाइलिश सा लगेगा थोड़ा सा। तो चलो ये हो गया, ठीक है, ये हमारा लाइक अरीना टाइप का हो गया। अब इसके ऊपर हम लोगों को और अब बनाना है गाइस, क्योंकि देखो ये ट्री हाउस है तो ट्री में क्या होती है गाइस, लीव्स होती है। तो इसमें अभी तक हम लोग देख रहे तो हमको कुछ भी लीव्स जैसा कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे ऊपर से लीव्स। अब तुम्हें पता है लीव्स लाने के लिए हमको एक चीज़ करनी पड़ेगी, हमको लाना पड़ेगा एक शेयर, ठीक है। तो देखते हैं क्या हमारे पास शेयर है, नहीं है गाइस, तो हम लोग को शेयर बनाना पड़ेगा। अभी तक हम लोग ने शेयर नहीं बनाया था यहाँ पे, ठीक है। तो दो आयरन को आप लोगों को पता है टेढ़ा रख के एक शेयर बनता है। तो चलो इससे हम लोग थोड़ा सा लाइक ये पेड़ों का ये ले लेते हैं। तो गाइस हमने सारा का सारा जमा कर लिया, आप चलो ऊपर चलते हैं और थोड़ा सा अपने घर को थोड़ा सजाते हैं ऊपर से, ताकि लगे कि हाँ यार ट्री हाउस है, ऐसा नहीं कि कुछ आलतू फालतू सा है, ठीक है। तो चलो लेते हैं ओक लीव्स थोड़े से हाथ में और शुरू हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्री हाउस थोड़ा सा, और यहाँ पर हमें एक बैल्कनी चाहिए होगी, तो हम इसको तोड़ देते हैं। यहाँ पर हमें एक बैल्कनी चाहिए होगी, इधर पे हम क्या करते हैं ऐसे लगाते हैं घास थोड़ी सी और, ठीक है, हमारे पास और है, हाँ लीव्स और है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे करके लगाते हैं क्योंकि हम लोग को यहाँ पर एक प्यारी सी बैल्कनी चाहिए होगी, तो वो करेंगे। और इसको भी तोड़ देते हैं, ठीक है, बैल्कनी के लिए, और इस साइड का भी साफ कर देते हैं। ये हमारा बैल्कनी व्यू होगा, रुको यार इधर साइड से थोड़ा सा ये वाला एक्स्ट्रा हो गया,
हाँ तीन है ना, बढ़िया बढ़िया ठीक है। तो ये प्रॉपर लग रहा है। देखो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़ी सी फेंसेस लगा लेते हैं ठीक है। और 1 2 3 4 5 ये लो भाई, ये फेंसेस हो गई। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे आ सकते हैं प्रॉपर। इसको एक काम करते हैं, इसको तोड़ते हैं और यहाँ पर लगाते हैं एक और ओक ठीक है। तो ये हमारा बालकनी व्यू हो गया। देखो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि हमारे घर हमारे उसमें फार्म में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो ये चीज़ भी सही हो गई। और अब यहीं पर गाइस एक एक बढ़ा देते। अरे यार ये क्या कर दिया, रुको रुको रुको, इसको तोड़ते हैं ठीक है। मतलब कुछ अच्छा सा बनाएंगे, कुछ प्यारा सा बनाएंगे, ऐसा दिखने का ऐसा नहीं कि यार किसी बिगनर ने बना रखा है ठीक है। क्योंकि हम लोग का कायदे से स्टार्ट है, बट हम लोग बनाएंगे ऐसा कि मतलब देखने वाले को तो लग जाए भाई ये क्या ही बना दिया ठीक है। एक काम करते हैं, इसको भी काट के उधर पे उस साइड पे लगाते हैं। कहाँ गया फैंस भाई, फैंस सटक के उतना दूर चले गया ठीक है। ओके ये कर लेते हैं ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर हम लोग करेंगे ऊपर की छत बनाएंगे, ताकि हम लोग यहाँ पर खड़े होकर ऐसे मस्त चाय वाय पीते हुए दूध दूध पीते हुए मस्त करके अपने काम की तरफ को भी ध्यान दे सके ठीक है। वैसे थोड़ा सा और दूर बनाना चाहिए था मेरे ख्याल से, ताकि थोड़ा सा और क्लियर दिखता है, बट कोई बात नहीं। ओ भाई आई एम नूब। ओके तो गाइस थोड़ा सा ऊपर का गलत हो गया था, तो मैंने अभी जल्दी से एकदम से फटाफट से जाके सही कर दिया है। तो ये अभी के लिए तो ठीक हो रहा है, ये हमें तोड़ना है। अभी यहाँ पर हम लोगों को एक काम करते हैं, सुनो इसको क्या करते हैं ना गाइस, जो मैंने सोचा हुआ है ऐसे कर देते हैं कि इसके ऊपर एक यार कैसे लगाएं, स्टेयर ऐसे और एक स्टेयर ऐसे लगा देते हैं। और अब हमें एक स्टेयर लगानी है अपनी साइड को फेस करते हुए ठीक है। ये ऐसे सही लग रही है ना, हाँ बढ़िया लग रही है। ओके ओके तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे एक मस्त सा लैंटर्न, और बाकी तो फिर इस पूरे एरिया को कवर करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना, वो जो मैंने तुम्हें बताया था स्टार्टिंग में कैंप फायर वाला, रुको एक काम करते हैं पहले कैंप फायर बनाते हैं। क्या हमारे पास कोल है? कोल वोल तो सब पड़ा हुआ है यार। चलो एक काम करते हैं, ओक वुड है, ओक लॉग्स है ना, ये तीन लेते हैं। हमको एक्चुअली कितनी चाहिए होंगी, 6 कैंप फायर चाहिए, बताइए कितनी बनेगी। तो एक काम करते हैं 6 ले लेते हैं, और 6, अरे वाह कोल भी परफेक्ट एकदम। और अब स्टिक्स ले लेते हैं ठीक है। तो हमको चाहिए होंगी 6 कैंप फायर, तो हम लोग ले लेते हैं 6 मटेरियल और टॉप से। ये लो भाई 6 कैंप फायर हो चुकी हैं। अब क्या करते हैं ना गाइस, देखो इसके ऊपर से लगानी है। एक मिनट को थोड़ा और ऊपर चढ़ सकते हैं हम लोग क्या यहाँ पे, यार ये तो दिक्कत हो गई। रुको यहाँ से चढ़ते हैं, ये है ना अपने पास, बढ़िया ठीक है। तो एक दो ठीक है, एक दो और एक दो ठीक हो गया, ये लो गाइस ठीक है। तो ये हो गया हमारी बालकनी की छत, आए हाय लग गई। तो ये हो गया हमारी बालकनी की छत गाइस ठीक है। यहाँ पर हम लोग चल मार सकते हैं वो सब चीज़ें। अब क्या करते हैं ना गाइस, सारा का सारा जितना भी ये झाड़, नहीं यार रुको रुको, हम लोगों को ना एक्चुअली यहाँ पर चढ़ के अभी एक लैंटर्न लगाना है। तो हम लोग को लैंटर्न भी चाहिए। आई होप मेरे पास थोड़ा सा आयरन हो, क्योंकि मैंने ज़्यादा आयरन संभाला नहीं था यार। तुम लोगों को पता है हम लोगों ने पूरा का पूरा एक आर्मर पहना हुआ है, तो वो देखना है ठीक है। और मैं एंड में सोच रहा हूँ कि आप लोगों को इसमें खतरनाक शेडर्स लगा के भी दिखाऊँ कि हमारा। अरे भाई ट्रेडर आया हुआ है भाई, क्या दे रहा है? हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। भाई ये क्या बंदा है भाई, रुक रुक एक काम करो, सुनो 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 गाइस गाइस, इसको इसको मार के इसके वो ले लें लामा है। लेकिन लामा कुछ टाइम तक हम पे थूकेंगे यार। और वो भाई फूड देखो, एचपी देखो एक बार। अब पहले खाना वाना खाते हैं, वो कुछ पी रहा है भाई। अबे भाई ऊपर ऊपर तो नहीं जा रहा, अरे गायब, इनविजिबिलिटी पोशन पी लिया है उसने। भाई क्या ही बंदा है भाई, इतनी अमीरी फैली हुई है ना, और साला एक घास के भाई, अगर बंदा एक घास का एक एमरल्ड नहीं लेगा तो अमीर कैसे होगा ना, हमको लूट के तो अमीर हो रहा है ये। वो दूध भी पी रहा है ऊपर से भाई, वो देखो वापस आ गया भाई, वापस आ गया दूध पी के, वापस आ गया भाई। चलो गाइस सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़े से लैंटर्न बना लेते हैं अपने लिए। हमारे पास जितना भी आयरन है सबका लैंटर्न बना देते हैं, मैं तो बोलता हूँ ठीक है। कितने इंगट आएंगे, हाँ चार चार लैंटर्न बना सकते हैं हम, चार या पाँच बना सकते हैं, मे बी पाँच बना, नहीं चार बना सकते हैं ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास है ना स्टिक्स, बस बढ़िया ये करते हैं ठीक है। तो अभी के लिए तो हम लोग सिर्फ चार ही बना सकते हैं, तो चार लैंटर्न ले लेते हैं अभी के लिए, और फिर देखेंगे बाद में, बाद की बात बाद में करेंगे ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर से, यहाँ पर एक लैंटर्न लगा देते हैं ऊपर ठीक है। रुको रुको रुको, ये मैंने गलत लगा दिया स्लैब, रुको। हाँ भाई तुझे यार, तू अंदर चले, भाई यार ये कितने परेशान करते हैं भाई, तू ही चले जाना अंदर, तू ही रख ले ये घर। ये हो गया स्लैब ठीक है। और अब इस स्लैब के नीचे लगा देंगे हम ये लैंटर्न, बढ़िया क्यूट सा ठीक है। तो अब हम ऊपर जा सकते हैं यार, ये साला मेरे पीछे पीछे करते हुए ऊपर ना आ जाए यार। अब एक लैंटर्न हम लोग लगा देते हैं यहाँ पर इसके नीचे ठीक है, और ये हो गया अपना मस्त करके तैयार ठीक है। ओके
ये हो गया हमारा एरिया जहाँ पर हम लोग चिल मारने आ सकते हैं, अपना सामान वामान देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब सारा का सारा जितना भी हम लोग ने झाड़ फूड मचा रखा है इसको पहले पूरा साफ करते हैं गाइस। चलो जल्दी से पूरा का पूरा साफ करते हैं। तो अब क्या करते हैं गाइस, यहाँ पर ये और यहाँ पर भी ये एक्चुअली यहाँ पर जगह नहीं, जरूरत नहीं थी, रुको करते हैं इसका भी। हाँ, इस पर इधर भी जरूरत थी वैसे। ठीक है, फिर वैसे यहाँ पर जरूरत है नहीं वैसे अगर देखा जाए तो। क्या करेंगे बताएं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बेड लगा लेते हैं, यहाँ पर हम लोग मस्त करके सो जाएंगे। और एक काम करते हैं, इसी के बगल में हम लोग एक क्राफ्टिंग टेबल और एक चेस्ट लगा लेते हैं। पहले चेस्ट है अपने पास, बना लेते हैं यार, कोई सीन नहीं है। ठीक है, चलो एक क्राफ्टिंग टेबल और एक चेस्ट, इसमें हम लोग अपना सारा का सारा खजाने वाली चीज़ रखें, जैसे स्वॉर्ड आयरन की, ये सब अभी नहीं रखते, रुको। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम लोग यहाँ रख सकते हैं। अब नीचे वाले चेस्ट भी तोड़ के मुझे सामान ऊपर लेके आना पड़ेगा। और अब बनाते हैं कुछ क्राफ्टिंग सा कुछ, मतलब कुछ ऐसा स्टेशन सा कुछ मस्त सा। तो एक काम कर, अरे अरे अरे, ये क्या कर दिया मैंने, रुको रुको रुको, हमारे पास है ना अभी भी ओके, बढ़िया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करते हैं ना गाइस, यहाँ पर हम लोग कुछ बनाते हैं, जैसे कि मैं क्या सोच रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग ट्रैप डोर हैं अपने पास, अभी बहुत सारे हैं, मेरे को बहुत सारे चाहिए होंगे। अब तो ट्रैप डोर की बारिश होगी भाई। ये देखो गाइस, ठीक है, तो ये हमारा फर्नेस स्टेशन, ये हमारा गाइस याद रखना, ये अभी के लिए ये इतना खतरनाक ऐसा हम रखेंगे नहीं। ठीक है, इसको हम और भी खतरनाक बनाएंगे बाद में। ठीक है, तो ये हमारा वो हो गया काम धाम वाला चीज हो गया और ये सब हो गया। अब एक काम करते हैं ना, इसको ना पूरा ढक भी देते हैं यार। ये पूरा का पूरा एरिया हमारा ऊपर से ढक भी चुका है, हमारे छत, हमारे सर पे छत भी है गाइस, टेंशन वाली बात नहीं है। एक सालों को एक एक्स्ट्रा लग गया यार वो, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा, हमारे पास है ना, और दो है ना, दो चाहिए हमें अगर हम तोड़ते हैं उसको। ठीक है, ये लो। ठीक है, तो ये हो गया अपना काम धाम हो गया, यहाँ सोने का हो गया, यहाँ पर ये हो गया। मेरा मन कर रहा है कि यहाँ पर यार एक इसको तोड़ के एक ये लगा देते हैं, क्या बोलते हो, ताकि हम लोग गिरे ना। ये देख लो, हम लोग घूम सकते हैं अब यहाँ पे, और जब भी जाएंगे तो इसको खोल लेंगे और यहाँ से नीचे चल देंगे, और यहाँ से बस एक जंप लेनी पड़ेगी हमें हर बार। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत मेहनत तो करते हैं भाई। ठीक है, तो पहली रात गाइज हम लोग यहाँ सोने वाले हैं, और मैं जल्दी से तुम लोगों को दिखाऊंगा इसमें क्या कहते हैं, अच्छे ग्राफिक्स में भी दिखाता हूँ तुम लोगों को। लेकिन हम लोग को थोड़े से और लैंटर्न की जरूरत पड़ेगी, तो थोड़ी सी माइनिंग और करेंगे। ठीक है, या फिर मैं बोलता हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग स्टार्टिंग में लगाएंगे। तुम लोग और बताना मेरे को चैट में, और चीज़ें बताना कि हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं। देखो, यहाँ से भी हम यहाँ को देख सकते हैं, यहाँ से हम यहाँ को देख सकते हैं। मैं चाहता इसको ब्लॉक कर सकता हूँ, या फिर एक ब्लॉक नहीं, मेरे पास कितना, अरे यार एक ही पड़ा ना, चलो कोई नहीं, इसको ऐसे करके ना इधर से भी एक एक्सटेंड करूंगा, बाद में लेके आऊंगा। ठीक है, ये देखो, अरे भाई 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 भाई, ये बहुत ही कूल सा लगा कुछ। चलो ठीक है, देखते हैं क्या होगा। ठीक है, ये हमारा बालकनी हो गया, ये हमारा सोने का हो गया। चलो गाइस, पहली रात हम लोग निकाल रहे हैं हमारे खतरनाक वाले ट्री हाउस में, तो चलो ठीक है। तो ये हमारी पहली रात ही गाइस ट्री हाउस में, बहुत ही अच्छी नींद भाई, इतनी बढ़िया नींद से तो मैं जगा ही नहीं कभी, फुल मौज हो गई। ठीक है, तो यस, ये हो गया हमारा ट्री हाउस गाइस। आई होप आप लोगों को मजा आया हो। कुछ आइडियाज़ हैं अगर तुम्हारे मन में इस ट्री हाउस को लेके, कुछ आप और कुछ कूल क्रिएटिव कुछ बता सकते हो तो बताना मेरे को। ठीक है, मेरा एक और चीज़ का मन कर रहा है, वो मैं देखता हूँ करूँगा नहीं करूँगा। मैं क्या सोच रहा हूँ कि इनको ना, इन घास को यहाँ से, अरे भाई एप्पल मिल गया फ्री का, ये भी सही है भाई, भाई हमारे ट्री हाउस में एप्पल भी देता है। तो गाइज हम लोग थोड़ा सा आयरन लेके आएंगे, ताकि हम लोग वो वहाँ पर शेयर बना के थोड़ा सा और उसको भर सके। तुम लोगों को पता है हमारे पास वो खत्म हो गया, तो चलो गाइज ढूंढते हैं, अगर बाई चांस कुछ थोड़ा सा भी आयरन मिल गया तो आई होप मिल जाए। मैं बहुत ही नीचे जा रहा हूँ यार, ओ भाई यहाँ नीचे आवाज़ें आ रही हैं गाइज, क्या हो रहा है, मेरे पास चेस्ट, मेरे पास वो है शील्ड है भाई। चलो गाइस भाई, रिस्क है तो इश्क है गाइस, रिस्क है तो इश्क। अरे नहीं, अरे भाई बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया। अरे गोल्ड भाई, अरे इसको मैं गिराऊंगा लावा में, अरे यार इधर से मर गया भाई, मैं ना गिर जाऊं लावा में भाई। ये देखो गाइस, हमें गोल्ड मिला है यार, ओ भाई बहुत सारा मिल गया यार।
भाई किस्मत यार, इसने मेरे को यहाँ नीचे बुला लिया और सीधे वहां मिला नीचे गोल्ड। भाई क्या ही आवाज आ रही है गाइस, बहुत ही खतरनाक केव लग रही है ये तो। ओ यस, आयरन मिल गया गाइस। अभी हम लोगों को फटाफट से इतना जितना आयरन मिला, दो ही चाहिए था वैसे काहे से, और दो ही करेक्ट मिला है। तो भाई जितना भी मिला है ये यार, ये हो के अभी जरूरत है, टूटी गई है वैसे, ठीक है। जितना भी मिला है शांति से गाइस लगाते हैं यहाँ पे हाथ पे। अगर बाई चांस यहाँ पे आसपास पे दिख गया थोड़ा सा, नहीं दिख रहा है, चल निकलते गए यहाँ से, ठीक है। भाई बहुत डरावनी आवाज़ आ रही है गाइस, अगर तुम लोगों को सुनाई में दे रही है। ओ भाई भाई यस 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 यस, चलो गाइस इतना निकाल के, ये आयरन को निकाल के फटाफट से यहाँ से निकलते हैं हम लोग, ठीक है। भाई मेरे को बहुत डर लग रहा है, मैं मरना नहीं चाहता यहाँ पर। मैं तुम लोगों को अभी अच्छे से शेडर्स के साथ वो अपना ट्री हाउस भी दिखाना चाहता हूँ यहाँ। ट्री हाउस को बस सजाने के लिए हम लोग इतना यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। तो ये सब हमने ले लिया है। और ओ भाई क्या ही किस्मत चल रही है गाइस आज। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे ख्याल से मैंने कुछ ज़्यादा ही अच्छा बना दिया यार वो ट्री हाउस, इसलिए भाई किस्मत भी मेहरबान हो चुकी है और दिए जा रही है भाई गोल्ड। भाई ले लो ले लो, चलो 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 अभी अभी, लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं है गाइस, अब निकलते हैं यहाँ से। भाई भाई भाई, भाई चलो गाइस, हमारे पास 10 गोल्ड पड़ा हुआ है भाई साहब, शिट यार। चलो गाइस एक काम करते हैं, जो हमारे पास ओके हमारे पास ओके ठीक है हो जाएगा काम, तो हो जाएगा यार। मैं थोड़ा कोल भी निकाल लेना चाहिए था लगे हाथ, क्योंकि हमारा बिल्कुल कोल नहीं है, बट कोई बात नहीं। चलो भाई इनको यूज़ पे भी ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो गाइस इतने सारे स्मेल्टर होने का क्या फ़ायदा है, सॉरी फर्नेस होने का क्या फ़ायदा है, ये देखो गाइस, ये देख रहे हो हमारा गोल्ड और हमारा आयरन दोनों साथ में हो रहा है अब। चले गाइस, तो अब हमारा जो ये है ट्री हाउस है थोड़ा सा प्यारा सा लग रहा है। और एक चीज़ करते हैं, हम लोगों का स्मेल्टिंग तो हो चुका होगा, ये देखो यार गोल्ड, भाई गोल्ड इंगेट पड़े हुए हमारे पास अब। यहाँ मेरे को थोड़ा सा कोल लेके आना पड़ेगा वो, लेकिन बाद में देखेंगे जब भी लेके आएंगे, अभी के लिए मैं प्लैंक से जला रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस अब मेरे को बताना है, एक बार मैं फटाफट से आपको दिखाता हूँ, ठीक है, इसको अच्छे से शेडर्स में। ओके तो गाइज हम लोग वापस आ चुके हैं इसी वर्ल्ड में, मतलब एकदम खतरनाक शेडर्स के साथ। देखो कितना मस्त लग रहा है, घास वास सब हिल रही है, पानी देखो कितना रियलिस्टिक सा लग रहा है, प्यारा सा लग रहा है। मुझे एक और चीज़ बताना गाइज, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं पूरा टाइम इसी शेडर्स में खेलूँ तो भी मुझे बताना, क्या पता थोड़ा सा अच्छा लगे ऐसे में, तो वो मेरे को बता देना, कोई सीन नहीं है, ठीक है। अगर तुम लोगों को ऐसे ज़्यादा अच्छा लगेगा तो तुम लोगों को ऐसे कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये है गाइस देखो हमारा ट्री हाउस, और ये भाई इस बंदे ने जितना मुझे दुखी कर दिया है, मेरा मन कर रहा है इसको काट दूं मैं, लेकिन नहीं मारूंगा, चलो छोड़ो, ठीक है। तो ये है गाइस हमारा खतरनाक वाला ट्री हाउस, ठीक है। तो देखो चार तरह से कितना प्यारा सा लग रहा है, ट्री हाउस जैसा लग रहा है ये सर, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाए, इसको 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 उड़ाया था, ठीक है। तो यस, तो गाइस ये देखो ये है हमारा ट्री हाउस, बड़ा प्यारा सा लग रहा है, इसमें थोड़ा सा और काम। अरे ये क्या है भाई, और निकल भाई 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 भाई, मेरे को डर लग गया, मेरे का ट्री हाउस बनने से पहले ही फट गया भाई, ठीक है। तो गाइस ये हमारा ट्री हाउस एकदम प्यारा सा लग रहा है, कितना सही सा लग रहा है, एक बार ऊपर जाके देखते हैं अंदर। एक मिनट रुको यार, ये मैंने ऊपर जाने का लगाया था ना, ये तोड़ देते हैं, ठीक है। तो यस, इसके चारों तरफ भी हम लोग करेंगे, अभी हमारे पास लैंटर्न्स नहीं है यार, बहुत लैंटर्न्स की कमी है, फूड खा लेते हैं। भाई हमारी फसल देखो गाइस पूरी उग चुकी है, हम लोगों ने इतनी मेहनत कर दी है यहाँ पे, पूरी फसल उग चुकी है हमारी। अब आते हैं ऊपर को, ठीक है। ये देखो गाइस क्या सूरज की रोशनी इसके आर पार आ रही है, क्या लग रहा है भाई, ये देखो क्या ही सुकून है भाई इधर। भाई ये हमारा ट्री हाउस, तो गाइस देखो ये रहा ट्री हाउस, यहाँ से हम लोग दूर दूर के गांव में पूरी नजर रख सकते हैं, कौन कहाँ कब क्या कर रहा है सब देख सकते हैं। जैसे ये दो गाय हैं, अगर ये कुछ गड़बड़ करती हैं तो हम इनको भी पकड़ सकते हैं, अगर यहाँ से कुछ चोरी वोरी करती हैं तो। बाकी नीचे हम लोग अपनी फसलों को देख ही सकते हैं गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। और वो वहाँ गाइस, वहाँ जाना है हमने किसी दिन, और वहाँ बम बनाना है लोगों का, तुम देखो यार वहाँ पे बहुत खतरनाक, हमें डायमंड मिलेंगे तो वहीं मिलेंगे गाइस मेरे ख्याल से, ठीक है। तो हमें वहाँ भी जाना है। तो ये रहा गाइस हमारा ट्री हाउस, तो बताना मुझे कैसा लग रहा है। एक मिनट रुको, यहाँ का ट्रैप डोर कहाँ गया, ट्रैप डोर बंद कर देते हैं, ठीक है। तो यार गाइस ये है हमारा ट्री हाउस, मेरे को कमेंट्स में जरूर से बताना कि ये तुम लोगों को कैसा लगा, कितना अच्छा लगा, गंदा लगा, जैसा भी लगा, ठीक है। गंदा तो नहीं लगेगा यार, भाई इतनी मेहनत लगी है, गंदा तो नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ही प्यारा सा ट्री हाउस तुमको कैसा लगा, और इसमें तुम लोगों को क्या लग रहा है कि हम लोग और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, मेरे को वो चीज़ जरूर से बताना, ठीक है, ताकि उस चीज़ हम वो चीज़ हम लोग इसमें सही कर पाएं, और या फिर और एडिशनल कुछ अच्छा हो सकता है तो बताना मेरे को। ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को मस्त लगी होगी। मैंने जैसे कि तुम लोगों को बोला यार, कमेंट्स में जरूर जाकर बताना कि क्या इस लोगों इसमें हम और एडिशनल कर सकते हैं, उसको प्यारा बना सकते हैं, मैं सोचा कारपेट बिछा दें, बट देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू गाइज एंजॉयड। अगले एपिसोड में मिलते हैं, अगले एपिसोड में हम उस रवीन में जाने वाले हैं और डायमंड्स की खोज करने की ट्राई करेंगे, आज तो गोल्ड वोल्ड सब मिल गया है, ठीक है। सो गाइज बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।